नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं मेरे साथ बेबाक बात। बेबाक बात करने के लिए आज इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं सुशील अग्रवाल। सुशील, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। सुशील अग्रवाल के बारे में बताना चाहूँगा, यारों के यार हैं और मीडिया की बड़ी पर्सनैलिटी हैं मध्य प्रदेश में। मध्या एडवर्टाइजिंग के नाते आपको जानते हैं, जस्ट मध्या आपका एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। सुशील, अब ये जो दौर है बहुत तेज़ी से मीडिया में चेंजेस आते हैं। इस दौर में पहले मीडिया बड़ा शांत शांत धीरे धीरे काम कर रहा था, अब गति बहुत बढ़ गई है। देखिए अनुराग जी, मैं पिछले 23-24 सालों से मीडिया में काम कर रहा हूँ, तो मैंने इस मीडिया में बहुत परिवर्तन देखे हैं। एक समय था कि प्रिंट मीडिया के अलावा दूसरा मीडिया लोगों को पसंद आता नहीं था। धीरे धीरे हम प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आए और टीवी चैनल्स वगैरह हम लोग देखने लगे। उसके बाद अब ये जो समय चल रहा है, नया दौर जिसे हम कहेंगे कि 21वीं सदी का, जो भारत की हम बात करें, न्यू मीडिया का दौर चल रहा है, इसमें अब प्रिंट भी और सैटेलाइट भी, ये दोनों बहुत कम हो गए हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में एक एंड्रॉयड मोबाइल है या आईफोन है, तो वो जो भी न्यूज़ उसको चाहिए वो उस फ़ोन पर देख सकता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अब दौर जो आने वाला समय है, या आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी जो है, वो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी जो है मीडिया चैनलों से और प्रिंट से हटकर डायरेक्ट मोबाइल पे शिफ्ट हो जाएगी और सारे न्यूज़ वहीं से। पहले जब 22-23 साल पहले शुरुआत की थी, कितने अखबार पढ़ लेते थे दिन भर में? बामुश्किल एक या दो अखबार पढ़ने में। आज तो मुझे लगता है कि भोपाल एक ऐसा शहर है कि कहा जाता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा अखबार भोपाल में छपते हैं। और वो संख्या में इतने अधिक है कि मैं शायद बता नहीं सकता। मेरा ऑफिस में अगर मैं देखता हूँ सुबह के टाइम, तो करीब करीब 100 से ज़्यादा अखबार तो मेरे ऑफिस में आते हैं, जिनके मुझे नाम तक नहीं याद है। तो अखबारों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर उस हिसाब से उनका स्तर गिरता जा रहा है, क्योंकि अब अखबार अपने पाठक के लिए नहीं है। अब अखबार केवल रेवेन्यू बनाने का, जो छाप रहे हैं वो अपने लिए छाप रहे हैं, इस तरह का माहौल बन गया है। कि फिर भी कुछ अखबार, 5-7 अखबार अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ बड़े अखबार हैं, जैसे दैनिक भास्कर अच्छा अखबार है, पत्रिका अपने आप में अच्छा अखबार है, नई दुनिया का अच्छा अखबार है, जागरण ग्रुप अपने आप में अच्छा अखबार है, और पुराने जमाने में नवभारत चला करता था। हाँ, नवभारत था, स्वदेश था, नई दुनिया, नव दुनिया, कई सारे अखबार मध्य प्रदेश में। ये जो अखबार हैं, ये पुराने, बहुत सालों बरसों पुराने अखबार हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं इनमें भी एक पारदर्शिता बची हुई है। बाकी जितने नए अखबार इस बाजार में आए हैं, वो सिर्फ या तो एक पत्रकार का टैग लगाने के लिए, या किसी तरह से सरकारी काम को निकालने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए, या किसी प्राइवेट विज्ञापनदाता को ब्लैकमेल करने के लिए, और उनको ब्लैकमेल करके उनसे विज्ञापन का रेवेन्यू लेने के लिए, मुझे लगता है इसके लिए। सुशील, एक शेर सुनाता हूँ। अकबर इलाहाबादी साहब ने लिखा है शायद ये, कि न कमान खींचो न तलवार निकालो, और तोप मुकाबले तो अखबार निकालो। मुझे लगता है कि तोप का मुकाबला करने के लिए उस दौर में अखबार शुरू हुए थे, और अब पता नहीं, अब तो कोई मुकाबला है नहीं। उस समय जब अखबार की आप बात कर रहे हैं, जो शेर की बात कर रहे हैं, उस समय वास्तव में अखबार की जरूरत थी, क्योंकि उस समय हमारे पास संचार के माध्यम नहीं थे। हमारे पास सिर्फ एक लेखनी थी जिसको हम तोप से भी ज्यादा क्रांति का दौर था। और अब तो ये तोप नहीं रही, अब तो ये सड़क पर पड़े हुए तमंचे टाइप के हो गए हैं, क्योंकि तमंचे भी नहीं है, क्योंकि लोग केवल इसका उपयोग करके अपना फायदा उठाना चाहते हैं। और पहले मुझे लगता है कि सुशील, चाहे अखबार के किसी भी क्षेत्र में हो, लोग बहुत तैयारी के साथ आते थे, तय करके आते थे। अखबार की रणनीति तैयार होती थी, अखबार किस तरह का होगा, उसका लेआउट किस तरह से होगा, उसका एडिटोरियल किस तरह से होगा, उसमें विज्ञापन का परसेंटेज कितना होगा, ये सारी चीज़ें पहले इनके मानक तैयार हो गई हैं। अब वो शायद एडिटोरियल के पार्ट में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, अब रेवेन्यू पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन अखबार में लगाए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लाया जाए। जबकि मुझे याद है, जब मैंने शुरू किया था उस दौरान, नवभारत की मैं बात करूँ तो नंबर वन अखबार हुआ करता था, और उसने फिक्स कर रखा था कि अगर मेरा 16 पेज का अखबार है, तो मैं 16 पेज के अखबार में केवल इतने सेंटीमीटर विज्ञापन लगाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। उससे एक भी विज्ञापन ज़्यादा होता था तो उसको हमको अगले दिन शिफ्ट करना पड़ता था, हम नहीं लगा पाते थे। वैसे ही भास्कर भी करता था, वैसे ही नई दुनिया जब इंदौर से आता था। चला गया वो दौर। अब तो ये स्थिति है कि आप छपते छपते अखबार छपने जा रहे हैं, अब तो ये है कि विज्ञापन के लिए दो दो अखबार छपते हैं, दो भास्कर छपते हैं, पत्रिका दो छपती हैं, नई दुनिया दो छपती हैं, जैकेट के ऊपर जैकेट पहनाई जाती है। पहले तो जैकेट नाम की कोई शब्द हमारे हम था ही नहीं, क्योंकि ये जैकेट शब्द एक बड़ा अनूठा शब्द है। कि मैंने मीडिया में था तो मैंने लोगों से कहा कि यार ये जैकेट
के बारे में कई लोगों ने मुझसे जानने की कोशिश करी कि सुशील भाई इस जैकेट को क्यों बोला जाता है। मैंने कहा आप जैसे अपने शर्ट के ऊपर कोई चीज़ पहनते हैं उसको आप जैकेट बोलते हो, उसी प्रकार अखबार के ऊपर एक विज्ञापन का अखबार धंधे का जैकेट, धंधे का जैकेट अखबार में चढ़ा दिया जाता है इसलिए उसको जैकेट बोला जाता है। पहले लेकिन इसका ख्याल रखा जाता था उस समय ये जैकेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्योंकि शायद खर्चे भी उस समय इतने ज़्यादा नहीं होते थे अखबारों में। इतना सस्ता विज्ञापन मुझे याद है कि मैं जब मेरी ज़िंदगी की शुरुआत थी तो मैं क्लासिफाइड विज्ञापन के लिए बाज़ार में जाता था, वो 50 रुपये का क्लासिफाइड विज्ञापन छपता था उस समय भास्कर में और नवभारत में, और मुझे 50 रुपये में 3.5 रुपये या 4 रुपये कमीशन मिलता था। और वही अब क्लासिफाइड विज्ञापन अगर हम अब 3 दिन के लिए छापते हैं तो एक बड़े अखबार में जो भोपाल का बड़ा अखबार है उसमें करीब 8-9 हज़ार रुपये लगते हैं और बाकी अखबारों में 3-4 हज़ार रुपये लगते हैं। जो 50 रुपये में छपता था वो 8-9 हज़ार रुपये में छपता है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा अंतर आया है विज्ञापन के रेवेन्यू में। लेकिन सब रेवेन्यू के इर्द गिर्द जाके अखबार समर्पित हुआ है। एक 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 मसला और आता है सुशील जी, एक सवाल आपसे करना बहुत लाजमी है। सुशील अखबार के उस पक्ष से जुड़े हुए हैं जहाँ से पूरे अखबार का संचालन होता है, अगर अर्थ नहीं है तो अखबार नहीं चलते। विज्ञापन बंद हो जाए तो मुझे लगता है जो भोपाल में कह रहे हैं सुशील कि सबसे ज़्यादा अखबार छपते हैं, मुझे लगता है सबसे कम अखबार यहाँ छपेंगे अगर इनके विज्ञापन बंद हो जाए। सच्चाई है कि जो जो अखबार जिनकी प्रसार संख्या नहीं है, जिनको लोग पढ़ते नहीं हैं, या जो अखबार लोगों में पॉपुलर नहीं है, अगर उन अखबारों के विज्ञापन बंद हो जाएं और वो लोग ब्लैकमेल करना लोगों को बंद कर दें तो शायद वो अपना अखबार भी ना निकाल पाए। जो बड़े ग्रुप है, बड़ा मसला है ब्लैकमेलिंग आज की डेट में। तो भोपाल में बहुत सारे अखबार ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी अखबार का, ब्लैकमेलिंग पे अपना धंधा निकालते हैं और ब्लैकमेलिंग के साथ साथ वो अपने बाकी धंधों को साध रहे हैं। और मैंने देखा तो होटल वाला भी अखबार वाला हो गया, दुकान वाला भी अखबार वाला हो गया। एक दौर ऐसा आया कि लोगों ने अखबार को अपने बचाव का रास्ता समझ लिया। तो आप देखिएगा कि आज जो भी अखबार निकालते हैं वो कोई बड़ा बिजनेसमैन ही निकालता है, क्योंकि उस बिजनेसमैन को मालूम है कि मुझे अगर अपना बचाव करना है अपने तो सीमेंट वालों के अखबार, शराब वालों के अखबार, तो ये बिजनेस बचा रहे हैं। शराब वाले अखबार इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनको शराब के धंधे को बचाना है। सीमेंट वाले इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि सीमेंट में जो चोरी करते हैं, ठेकेदार का अखबार, ठेकेदारी में कंस्ट्रक्शन में चोरी करता हूँ, उनको अपने अखबार बचाना। तो इस तरह से अब तो अखबार, ये मान लीजिएगा कि घर घर में अखबार निकलने की स्थिति आ गई है। हो सकता है कि आने वाले 5-10 साल बाद अगर सरकार इनको विज्ञापन देना शुरू कर दे तो हर घर के दूसरे दरवाजे पर आपको मिलेगा कि मैं पत्रकार हूँ और मेरा ये अखबार है। भोपाल में ये स्थिति बन जाएगी, कुटीर उद्योग की स्थिति, कुटीर उद्योग की स्थिति जैसी बन जाएगी। बहुत रोचक बातचीत सुशील के साथ चल रही है। अखबार और अखबार में आई खामियों पर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल ले लें एक छोटा सा ब्रेक। आपने तो 71 से लेकर 62 तक और फिर कारगिल तक सारे दौर देखे, इस दौर में सबसे ज्यादा ताकतवर सरकार किसकी नजर आई? अब जो कुछ भी कह लीजिए, जो कुछ भी गाली दे लीजिए, लेकिन बात यह है कि उस महिला ने वो करके दिखाया जो हमारे किसी मर्द ने नहीं किया। फिर दो चीजें निकल के आई कि ढोर चराए और बाजा बजे। मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है बेरोजगारी के नाम पर। तो आज कमलनाथ जी का धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी सोच हर तबके के बच्चे के लिए है, पढ़ा लिखा भी और अशिक्षित भी। कमलनाथ जी का भविष्य कैसा दिखता है? 27 जुलाई की मैं तारीख को आपके सामने कह रहा हूँ कि इसके बाद ये सरकार मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय सर्वाइव कर पाएगी। बड़कपन के कारण तो ऐसा नहीं हुआ, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया कि ये बहुत लड़ते हैं, पता नहीं मंत्री बन गए तो क्या कर देंगे? ये इसमें कहाँ क्यों नहीं दिया, इसका कभी कोई जवाब नहीं मिला। हमेशा ये बात हुई कि नहीं आगे देंगे, ये देंगे, वो देंगे। राहुल गांधी तो अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद एक कोई ऐसा अध्यक्ष कांग्रेस में बना है जो इस तरह के विचार रखता है। आप नेता से पहले कवि हैं। इस देश में दो किस्म की संस्थाएं, एक अवार्ड देती है, दूसरी अवार्ड लौटाती है। दरिया हमारे पास है, समंदर तलाश कर। तमाम मंत्री, उनके तमाम प्रवक्ता एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रही है। मैं आरोप झूठा लगाऊं या आप मेरे पर झूठा आरोप, लेकिन जो सुन रहे हैं वो तो सत्य समझ। अगर साजिश बीजेपी से नहीं होती तो शायद उनकी जमाना चल सकता। पिछली बार भी मोदी को ही वोट दिया था, तब सारी दुनिया चाहती थी, सारा देश ये चाहता था कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और मोदी लहर थी। और इस बार मोदी जी के लहर के साथ साथ विकास की लहर थी, दोनों मिलकर आंधी बनी है। आम को घर बनाना मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा ताकत है। शरीर तो होता है मकान, लेकिन घर बनाने में दिल लगाना होता है। काल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट का घर है मेरा।
नमस्कार, विभाग बात में आपका स्वागत है। मेरे साथ सुशील अग्रवाल, वर्तमान में मीडिया का जो परिदृश्य है उस पर बातचीत कर रहे हैं। मध्या एडवर्टाइजिंग के प्रमुख हैं आप, और मध्या के जरिए आप विज्ञापन देते हैं, कमीशन एजेंसी लेती है। अब तो मध्य प्रदेश में तो सरकार की भी एजेंसी है माध्यम, वो भी कमीशन लेके विज्ञापन देती है। हम जो बात कर रहे थे कि अखबारों की साख गिर रही है, मीडिया की साख गिर रही है, पत्रकारिता की भी साख गिर रही है, हर समाज में हर तरफ ये नैतिक गिरावट का दौर है। जी जी जी, वास्तविकता ये है कि हाँ, जैसे आपने कहा कि सरकार की भी अपनी विज्ञापन एजेंसी है माध्यम, तो सच्चाई कुछ और है उसके पीछे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार को जनसंपर्क को एक एजेंसी खड़ी करने की जरूरत थी, क्योंकि वो एजेंसी खड़ी करने का कोई दूसरा उद्देश्य है जो मेरे ख्याल से सभी लोग समझते हैं, जानते हैं, हिडन है वो एक इसके लिए कि, और जितने भी हम सरकारी कामों की बात करें तो उसमें सबसे पहले ये कहा जाता है कि साहब आप मध्य प्रदेश माध्यम से इंटरनलमेंट लेके आएँ, तो वो एक सरकारी तंत्र है, उनका अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम को जो फॉलो करता है वो उसमें घुस जाता है, जो नहीं फॉलो कर पाता वो शायद बाहर बैठ जाता है। तो रही विज्ञापन के अलावा अगर हम बात करें पत्रकारिता की, नैतिकता की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अपने नैतिक मूल्यों को लेकर चल रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो समाज के लिए काम करते हैं, और मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि पत्रकार का मतलब ये है कि आपको समाज को देखना है, समाज की परेशानियों को लोगों को दिखाना है और समाज की पीड़ा को आपको उठाना है। सुशील, मुझे ऐसा लगता है, आप हो सकता है असहमत हो मेरी बात से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जो प्रमुख समाचार पत्र या प्रमुख वेब मीडिया या प्रमुख टीवी चैनल्स, इनकी हम बात करें तो इसमें काम करने वाले अधिकांश लोग मुझे लगता है ईमानदार होते हैं। उसकी वजह यह कि आधे लोग तो ये नहीं जानते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, गिफ्ट कहाँ मिलते हैं, कैसे पैसे का लेन देन होता है, वो तो पूरी जिंदगी अपने अखबार में, अपने संस्थान में खपा देते हैं। नहीं, आपकी बात से मैं बहुत कुछ सहमत हूँ, परंतु अभी कुछ दौर से ये देखा जा रहा है कि क्योंकि मुझे लगता है कि मीडिया में जो बदनाम है वो वही 10-5% हैं जो चर्चित हैं, जो सब जगह जाने जाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के मुझे कहना चाहिए चरण भाट हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बट अगर मैं ये बात कहूँ आपसे कि आपने जैसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं, परंतु अभी विगत कुछ वर्षों से जो आरोप लग रहे हैं कि गोदी मीडिया, तो वो क्या है वास्तव में? दो शब्द चले, एक गोदी मीडिया, एक झप्पू मीडिया। तो गोदी मीडिया क्यों? कहीं ना कहीं हमारे में गलती रही होगी, हम उन पत्रकारों में कोई ना कोई ऐसी कमी रही होगी कि जिसके कारण लोगों ने उनको ये नाम दे दिया। तो एक अच्छा पत्रकार, एक अच्छी संस्था अगर गोदी मीडिया के नाम से जानी जाए तो मुझे लगता है कि वो शायद आने वाले पत्रकार का समय पे एक ट्रेंड सेट कर देते हैं कि हमारे मन का नहीं है तो गोदी मीडिया के दो, हमारे मन का नहीं है तो झप्पू मीडिया के दो, मोदी जी से गोदी मीडिया बना और पप्पू जी से झप्पू मीडिया बना, तो ये दो शब्द आए। लेकिन मुझे लगता है कि ये वेमनस निकालने के तरीके हुआ है, जिनको काम करना है वो तो ठीक ठाक काम करते रहते हैं जहाँ भी रहे। हाँ, ये सच्चाई है, बट फिर भी कुछ अखबार और कुछ न्यूज़ चैनल जो है वो सरकार को लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी अपना चैनल चलाना है, उनको भी अपना पैसा कमाना है, तो धंधा है पर धंधा है, धंधा है पर धंधा है, ये करना पड़ता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर वो सब चीज़ें खत्म हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि खास करके इस समय वेब मीडिया, उसके बाद सोशल मीडिया, मैं वेब मीडिया अलग कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार सच के साथ झूठ भी झूठ दिया जाता है, और वेब मीडिया में जो जर्नलिस्ट काम करते हैं बहुत सोच समझ के, उनको मालूम होता है कब मानहानि का दावा हुआ, क्या गलत खबर जा रही है, तो उस पर कंट्रोल करते हैं। तो वेब मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, और सोशल मीडिया पे भी तमाम सारे लोग जो अपने अखबारों में और संस्थानों में, चाहे वो झप्पू मीडिया से जुड़े हों चाहे वो गोदी मीडिया से जुड़े हों, नहीं लिख पाते, वो वहाँ आके सब सच बयान कर देते हैं। देखिए, मैं अनुराग जी, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि अभी जो वेब मीडिया की हम बात कर रहे हैं वो वेब मीडिया वास्तव में सच्चाई को लोगों के सामने ला के रख रहा है, इसलिए भी क्योंकि वेब मीडिया को कोई सरकारी मदद नहीं मिलती है और ना ही कोई सरकार उसको मदद करती है। तो अभी तक वेब मीडिया जो करती है वो ना के बराबर है उनके लिए, और अभी तक जो वेब मीडिया के पत्रकार हैं तो उनको किसी ने ओबलाइज भी नहीं किया है। तो देखा जाए तो वेब मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो वास्तविकता को लेकर चल रहे हैं, और वो सारी उन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं जिन चीज़ों को आपके दर्शक सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, जो पाठक पढ़ना चाहते हैं वो चीज़ दिखा रहे हैं। तो और मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 साल बाद वेब मीडिया एक अपने ऐसे मुकाम पर होगा कि लोग शायद सैटेलाइट चैनल को भूल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बड़ी बात सुशील कह रहे हैं कि टीवी चैनल्स हैं उनका दौर जाएगा,
देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक समय था घर जाता था कम से कम 3 घंटे न्यूज़ चैनल देखता था, और अब मुझे याद ही नहीं है पिछले 5 वर्षों में मैंने टीवी न्यूज़ चैनल अगर 5 मिनट भी देखा हो तो। मुझे अगर कुछ न्यूज़ देखनी है तो मैं अपना मोबाइल खोलता हूँ, मोबाइल पर मेरे को जो देखना है मैं दबाता हूँ बटन और मेरे सामने होता है। आज देखिए आप सारे 100 चैनल है सारे सारे आपके पास और मोबाइल पे तमाम पे। मुझे मैं सुशील की बात से यहाँ 100% सहमत हूँ कि तमाम ऐसे छोटे चैनल जो बड़े चैनल खबरें नहीं कर पाते वो छोटे चैनल कर रहे हैं और बहुत निष्पक्षता के साथ बहुत सच्चाई के साथ वो खबरों को प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े चैनलों को कहीं ना कहीं एक डर है, और जो नए वेब चैनल हैं जो अच्छे पत्रकार हैं जो जिन्होंने वास्तविकता में पत्रकारिता की उनको किसी से डर नहीं लगता, इसलिए वो सच्चाई को सामने रखने से किसी से घबराते नहीं है। और तो मैं तो चाहता हूँ और इस तरह के वेब चैनलों को बहुत प्रोत्साहित किया जाए, उनको और आगे बढ़ाया जाए। और अभी जो रेवेन्यू मॉडल है आपके पास पैसा आता है अखबार को देने के लिए, वेब मीडिया को, टीवी को देने के लिए, तो किस तरह से उसका बंटवारा होता है? देखिए हम अगर आप बात करें कमर्शियल क्लाइंट्स के बारे में तो कमर्शियल क्लाइंट्स का एक सोच है अलग तरह की। उनका ये सोच है कि जैसे किसी ऑटोमोबाइल की मैं बात करूँ तो ऑटोमोबाइल वाले को या किसी बिल्डर को इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए कि बस आज मैंने एडवर्टीजमेंट छापा और मेरे पास 250-500 कॉल आ गए, तो वो प्रिंट मीडिया को प्रेफर करता है। जो अपनी ब्रांडिंग बनाना चाहता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाता है। तो अभी भी लोग प्रिंट मीडिया पर जाते हैं इसलिए क्योंकि उनको उससे एकदम से रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे वो फोन अखबार देखा और व्यक्ति ने फोन लगाया तो उनको लगता है कि नहीं मेरा विज्ञापन रिस्पॉन्स आ गया। परंतु वेब मीडिया की बात करें या सैटेलाइट मीडिया की बात करें तो वहाँ पर अगर वो जाता है तो एक लंबे समय तक की ब्रांडिंग उसको मिलती है और उसका नाम लोगों की जुबान तक आ जाता है। मैं देखा वेब मीडिया में सोशल मीडिया में अब वहाँ भी विज्ञापन शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। अब जैसे हम देखें कि वेब मीडिया में जो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे चैनल जो काम कर रहे हैं उसमें उनकी खुद की मेहनत है जिसके कारण वो लाखों लोगों तक पहुँच गए हैं। उनकी उनके कार्यक्रम कुछ इस तरह के हैं कि वो जबरदस्त रीच है, कुछ 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 चैनलों की बहुत ज़्यादा जोर से ज़्यादा मतलब इतनी अच्छी रीच है कि शायद वेब मीडिया में और लोगों की नहीं होगी। तो वो सिर्फ उनकी मेहनत है और लगता है ये बाज़ार भी अब खुलने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बाज़ार 100% खुलेगा और आने वाले टाइम में जो विज्ञापनदाता है उसको ये समझना पड़ेगा कि जो वेब मीडिया है जो लोगों को सच्चाई को सामने रख रहा है, जो बाकी खबर बाकी चीज़ें बाकी अखबार या बाकी चैनल्स जिसको छिपा जाते हैं उसको वो वेब मीडिया आपके सामने लाता है और उसको देखने वाले लोग हजारों लाखों की तादाद में होते हैं, वो अपने विज्ञापन को उसमें डालकर रिस्पांस पा सकता है। सुशील जैसा कह रहे हैं कि टीवी का दौर अब जाना शुरू होगा, ऐसा क्यों लगता है सुशील अग्रवाल को, इसके पीछे की वजह क्या है और जब टीवी नहीं तो फिर क्या, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। विभाग बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ मीडिया से जुड़ी हुई हस्ती सुशील अग्रवाल इस समय स्टूडियो में मौजूद है। सुशील, टीवी का दौर जाने वाला है, ऐसा क्यों लगता है? देखिए टीवी में मैं मानता हूँ कि केवल इंटरटेनमेंट वाला पार्ट जो है वो चलेगा क्योंकि घर की महिलाएं उस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, न्यूज़ चैनल पुरुष लोग ज़्यादा देखते हैं। ये एक सर्वे भी आप देख सकते हैं कहीं भी, उसमें आपको मिल जाएगा कि परसेंटेज पुरुषों का ज़्यादा है और सारे समय पुरुष अपने घर से बाहर रहता है, अपने कार्यालय में रहता है, अपने काम में रहता है, तो उसको अगर कोई न्यूज़ सुनना है तो वो सिर्फ उसके पास एक मोबाइल है जिस पर उसको सुनना पड़ती है। हाँ, अब टीवी लटका के कोई गले में घूम नहीं सकता, इसलिए न्यूज़ चैनलों के लिए तो मुझे लगता है कि वेब मीडिया से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं। सुशील जो कह रहे हैं इस बात में बहुत दम है। कई बार देखा कि लोगों की खबरें चलती हैं, हम लोग भी खबरें करते हैं या कोई टॉक शो किया कुछ किया तो उसका एक रिक्वेस्ट जरूर आती है कि इसका हमको लिंक भेज दीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि कई बार जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं आपके चैनल को देखूँ और मैं नहीं देख पाता तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसकी लिंक मिल जाए। तो क्या है कि व्यक्ति को सच्ची और अच्छी खबरें सुनने की एक इच्छा है जो बहुत समय से कहीं ख़त्म सी हो गई है,
तो अगर आपकी आपकी चैनल आपका वेब चैनल अच्छा खबर देता है तो मैं जरूर आपसे कहूंगा कि आप मुझे उसका लिंक भेजिए, मैं उसको देखना चाहता हूं। तो बड़े-बड़े चैनल अपने लिंक बना हाँ, बड़े बड़े चैनल आज की डेट में अपने लिंक भेज रहे हैं फेसबुक तक पे, आप सारे चैनलों को आप देख सकते हैं। चैनल का तो मैंने देखा कि जिनके पास जितने दर्शक टेलीविजन के ऊपर नहीं है उससे ज्यादा उनके पास सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है। तो आने वाला टाइम तो अब पूरा सोशल मीडिया का हो जाएगा और सारे चैनल भी अब मोस्टली सोशल मीडिया पे देखे जाएंगे। लेकिन ऐसे में फिर सवाल आता है, सच मीडिया अगर हम बात करते हैं, हम माध्यम नहीं है, माध्यम के अलावा हम अन्वेषण करते हैं खबरों का, हम सच को लाने की सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सच दिखाएगा, जो सच के साथ चलेगा, उसको भी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए जो वेब मीडिया वास्तविकता को सामने रखेगा, और मैं इतना एक आम नागरिक होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं कोई विज्ञापन एजेंसी मालिक होने की बात नहीं कर रहा, एक आम नागरिक होने के नाते मेरी एक दिली इच्छा होती है कि मेरे को खबर की सच्चाई मिले। ऐसा ना हो कि खबर किसी को गलत तरीके से बनाकर पेश की गई हो, खबर में सच्चाई हो, पर अगर खबर की सच्चाई जो पत्रकार और जो चैनल रखेगा वो चैनल हमेशा लोगों के लिए चहेता चैनल बनेगा और आगे बढ़ेगा। और उम्मीद है कि वेब चैनल इस तरह से काम कर रही हैं भोपाल में कुछ, और वेब चैनल मैंने अभी कुछ देखा कि ऐसी वेब चैनल हैं जो भोपाल में तो देखी जा रही है, भोपाल के अलावा वर्ल्ड में भी कई जगह देखी जा रही है। तो इस तरह से अगर वेब चैनल की स्थिति है तो आने वाला समय, आप मान लीजिए एक खतरे से आपने आगाह किया कि बहुत सारे अखबार हो गए, बहुत सारे चैनल हो गए, बहुत सारे वेब मीडिया हो गए, ब्लैक मिरर लोग आ जाते हैं, अभी आपने एक सवाल उठाया था, तो ये बुराइयां भी इसके साथ बुराइयां भी शुरू हो गई। अभी देखता हूँ जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो माइक आईडी जब देखने को मिलते हैं, पहले गिने चुने 4-5 माइक आईडी मिला करते थे और अब इतनी संख्या हो गई है कि वो माइक आईडी दिखते ही नहीं है। मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप टेबल पे देखेंगे तो 100-200 माइक रखे रहते हैं और पता नहीं क्या क्या नाम उन पर लिखे रहते हैं। तो अब कई बार ऐसा भी लगता है कि जो वाकई टेलीविजन वाले हैं या जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनके माइक नज़ारत होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है कि हमारी सरकार ने एक मापदंड बना के रखा हुआ है कि साहब सैटेलाइट चैनल होना चाहिए, पर उसको ये समझना पड़ेगा कि सैटेलाइट चैनल के साथ साथ एक वेब मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म पैरेलल मीडिया खड़ा हो गया, पैरेलल मीडिया खड़ा हो गया है जिसको लोग देख रहे हैं और लाखों की संख्या में देख रहे हैं, और वो अपनी बात उसके माध्यम से भी लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक 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 छोटी सी बात कर रहा हूं कि कोई नई सरकारें बनती तो सामान्य तौर पर उनका विरोध कम होता है, हर दृष्टि से उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार बनी और इसको लेकर बहुत पॉजिटिव वेव्स मीडिया में नज़र नहीं आए? देखिए 15 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकार बदली, नई सरकार आई, बहुत सारी उम्मीद लेके लोग चल रहे थे सरकार से, और जब सरकार से उम्मीद होती है तो आदमी सोच भी रहती है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। परंतु अभी विगत 8 या 10 महीने जो सरकार ने गुजारे हैं उसमें पत्रकारों के लिए या वेब चैनलों के लिए या अखबारों के लिए कोई बहुत अच्छी नीति उन्होंने तैयार नहीं करके दी है, तो उसके कारण अखबार थोड़ा सा उनसे खफा भी हैं और कुछ चैनल भी उनसे खफा हैं, इसलिए उनके खिलाफ बातें होती हैं। परंतु देखिए अब अभी तो शुरुआत है सरकार की, कहाँ तक चलते हैं, कहाँ तक ले जाते हैं। मुझे लगता है कि विज्ञापन हो या ना हो इससे खफा होने का मसला नहीं है, मुझे कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कमियां पेशियां होती हैं तो मीडिया आपके सामने लाने की कोशिश करता है, अच्छाइयां होती हैं तो वो भी बताता है। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर आपको एक ऐसी खबर चला देते हैं जो आपके प्रदेश के मुखिया के खिलाफ हो तो आपको शायद मेरे ख्याल से आपके पास भी 50 लोगों के फ़ोन आ जाते होंगे कि भाई ये क्यों चलाई। अगर उस खबर में सच्चाई नहीं होती तो आप शायद नहीं चलाते या आप हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को चला रहे हैं और अपना नाम दे के चला रहे हैं और वो एक प्रदेश के मुखिया के खिलाफ चला रहे हैं तो आपके अंदर एक डर होगा अगर गलत खबर चलाएंगे। आप एक सच्चे पत्रकार हैं और आपने अगर उस खबर की सच्चाई को जानकर उसको चलाया है तो मुझे लगता है कि आपको किसी तरह एक आरोप प्रत्यारोप मीडिया पे शुरू हो गए हैं। अगर आपका कोई विज्ञापन छपा तो इसके पीछे ये एंगल है, खबर है तो ये एंगल है, ये फलां का आदमी, जैसे झप्पू मीडिया और गोदी मीडिया की अपन बात कर रहे थे, तो आजकल मीडिया को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। देखिए उसके लिए देखा जाए तो कुछ मीडिया इसके लिए दोषी हैं, मैं नहीं कहूँगा कि सभी मीडिया इसके लिए दोषी हैं, पर हाँ कुछ तो हैं चैनल जिनके हम नाम नहीं ले सकते, कुछ अखबार भी ऐसे हैं जो सरकार की गोद में बैठे हुए हैं तो उनको गोदी मीडिया कहते हैं, और जो विपक्ष की नहीं सुनते हैं उनको झप्पू मीडिया कहते हैं। तो इसमें गलती चैनलों की और अखबारों की भी है, हम
कितना भी कोशिश कर लें तो हम उनको छांट नहीं पाएंगे कि जो अच्छे पत्रकार हैं या अच्छे चैनल हैं वो कौन से हैं और जो गोदी में बैठे वाले चैनल हैं वो कौन से हैं। अब मुझे तो ये लगता है कि कम से कम जब हम मीडिया में हैं, हम माध्यम बने हैं, तो सच का अन्वेषण होना चाहिए, सत्य सामने आना चाहिए। सत्य सामने आना चाहिए और मैं क्योंकि लोग भी यही उम्मीद कर, मैं तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण देकर आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको सच देखना है वेब मीडिया का तो आप गूगल एनालिटिकल को देख लें, आप फेसबुक के एनालिटिकल को देख लें, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी कि अगर आपको लोग पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। और ये सरकार को करना चाहिए, ये सरकार को देखना चाहिए और सरकार की एजेंसियों को देखना चाहिए कि कौन सा वेब मीडिया कितना लोकप्रिय है और कहाँ तक देखा जा रहा है और वो बूस्ट ना किया गया है और वो ऑर्गेनिक रूप से लोगों ने उसको देखा है और हिंदुस्तान के बाद, हिंदुस्तान के अलावा हिंदुस्तान के बाहर भी देखा है। तो सरकार को एक ऐसी नीति लानी चाहिए कि जिसमें उस मीडिया को आगे बढ़ाना चाहिए, पर सरकार अभी सैटेलाइट के अलावा किसी दूसरी चीज को समझती नहीं है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी सरकार हनीमून पीरियड से बाहर नहीं आई है, इसलिए कुछ सोच समझ नहीं पा रही है। सुशील भाई, आप स्टूडियो में आए और आपने अपनी बेबाक राय रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। देख रहे हैं दखल न्यूज़।